बच्चों मैं तीन पेन फैन के ऊपर रखता हूँ और हम देखेंगे अलग अलग पोजीशन पे रखने के बाद कौन सी पेन पहले गिरती है। पहले हम रखते हैं रेड, ब्लू और ब्लैक। अब मैं फैन ऑन करूंगा, आप बताइए कौन सी पेन पहले गिरेगी। ब्लैक नहीं गिरेगी। ओके, अब हम फैन स्टार्ट करते हैं। ब्लैक अभी भी नहीं गिरी है। यहाँ पे हमारा जो फैन की विंज है वो अलग अलग एंगल बनाएगी, तो यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है। तो अगर हम ओमेगा को कांस्टेंट मान लें, ओमेगा कांस्टेंट मान लें, तो ये स्केलर रिलेशन है वी और ओमेगा का, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। ओमेगा कांस्टेंट है तो क्या होगा, रेडियस ऑफ पाथ जितनी बड़ी उसकी लीनियर स्पीड सबसे ज़्यादा होगी। तो आप देखो रेड पेन की लीनियर स्पीड सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि डिस्टेंस बड़ा है, उसके बाद ब्लू पेन का, उसके बाद ब्लैक पेन का। तो सबसे पहले रेड पेन गिरेगी, उसके बाद ब्लू और फिर ब्लैक।